सिंगापुर के शुरू हो गए हैं। तो ये अपने माँ लेनी देनी कर दी साली अंदर ना, घुमाने लगे से कभी खेले ना हो जिंदगी में। पियानो से पंगा नहीं लेना, ये मत सोचना कि पियानो बजाना आता आप लोगों को। यहाँ पर एक तो फोन का नेटवर्क नहीं है, सबसे बड़ी बात सारे पुरानी यादें ताजा होंगी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओए जी, सबको सत श्री अकाल है जी। आज 14 जुलाई है और अभी एकदम मेरा सडन प्लान बना कि मेरे को निकलना सिंगापुर के लिए, बिकॉज हम जितने भी एजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका एक फैम ट्रिप है क्रूज़ का, जेंटिंग ड्रीम्स का। तो अभी हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट यश ने मेरे को बोला कि थोड़ा बहुत वीडियो फिर भी बना लेना, बिकॉज मेरी पुरानी वीडियो ही नहीं एडिटिंग हो पा रही अभी तक। दुबई वाला भी अभी तक मैंने एडिट नहीं किया, और जो मलेशिया गया था मैं, उसका भी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो एडिट किया जो मैंने अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ दिया था। अभी हमारा सिंगापुर का ट्रिप यहीं से शुरू होता है, जितने हमारे भाई मिलेंगे, सारे भाई बंधु मिलेंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे आज हम। तो आपको दिखाते हैं, बातें मैं कम करूँगा, सिर्फ दिखाऊँगा चीज़ें छोटी 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 छोटी। चलो मिलते हैं। और हाँ, मैंने वीडियो कुछ बनाई नहीं इतनी खास, सिर्फ जब मैं घर से निकला हूँ तब छोटी सी एक वीडियो बनाई है, और अभी मैं एरो सिटी में हूँ। तो शुरू करते हैं अपना टाइम यहाँ से। ये मत डालना प्लीज। बाय बाय बाय। तो ये अपने बंदे हैं जो उनसे सिंगापुर जा रहे हैं, और राहुल इस बंदे की वजह से, इस बंदे ने ऐसा कांड किया सिंगापुर में, सिंगापुर में एमसी किंग, इस बंदे ने सिंगापुर में ऐसा कांड किया है कि जिसको हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। 200 गुड मॉर्निंग मेरे भाई, आज दूसरा दिन है हमारा सिंगापुर में, और आज हमारा है क्रूज। और इशू क्या हो गया कि हमें कराना था एंटीजन टेस्ट क्रूज से पहले, और संडे की वजह से दुकानें बंद है, सारी क्लिनिक बंद है। तो एक क्लिनिक जो उनसे हम कल गए थे वो बोला खुला था, एक बजे कह रहे थे खुलेगा, अब वहाँ जा रहे हैं। और एक और पसूड़ी पड़ गई, वो भी बताता हूँ आपको मैं अभी। तो दूसरी पसूड़ी पड़ी वो ये, मेरा जो मास्क है ना वो रूम में था, मैं रूम से बाहर निकला, लिफ्ट तक पहुँचा, याद आया कि मास्क तो मेरा कमरे में रह गया। मैं वापस गया कमरे में, देखा चाबी जो उनसे मैंने निकाली थी, मैंने अपने दिल्ली वाले होटल की निकाल ली चाबी गलती से, और दोनों चाबियां रूम में पड़ी हैं। अभी सारी टीम जो है वो रेफरल्स की तरफ गई है वहाँ पे टेस्ट कराने, और हमने जहाँ पे पूछा था वो वहाँ पे है उधर। तो राहुल पाजी वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरी, उनकी बारी आ गई है, अब भागते भागते टेस्ट कराते हैं, 1:30 बज चुके हैं। लो जी, हमने करा लिया अपना एंटीजन टेस्ट, और थैंक्स टू राहुल भाई के, राहुल भाई पहले लाइन में लग गए, सारा कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, नहीं तो बाहर लंबी लाइन लगी। कौन कहते कि जुगाड़ सिर्फ इंडिया में चलता है, हर जगह जुगाड़ चलता है। वो देखो लाइन, देखो रश, देख रहे हो, ये सारा वेटिंग है। चलो 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 चलो। तो वही पंजाबियों वाली बात है ना कि हर जगह जुगाड़ चल जाता है, बस झुकना आना चाहिए। हां झुकना आना चाहिए। पंजाबी वैसे ही पैरी पै जाते ने, आज पैरी पै के सानू टेस्ट जल्दी देता, रिपोर्ट सानू मिल गई। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब भी डॉक्टर ने अंदर बुलाया ना, उसने वो लिक्विड सा डाल दिया उस पे, वो टेस्ट वाली ट्रे पे, वो ना रेड कलर का होने लग गया, मेरी फट गई, मैं कहा लै भी पै गया गगनदीप से पंगा। मैंने नु ये नहीं पता सी रेड कलर ही नेगेटिव होता है, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। पर डॉक्टर बड़े अच्छे थे यार, बड़ा अच्छा से ट्रीट किया उन्होंने एंड ऑल, मजा आ गया। और अब नाक ऐसा खुल गया कि माँ लेनी देनी कर दी साली अंदर ना, घुमाने लगे से कभी खेले ना हो जिंदगी में, पर मजा आया। अभी हम जा रहे हैं होटल, चेकआउट करेंगे 2 बज गए हुए, और फिर हम से ब्रेकफास्ट भी नहीं गया अभी तक। हाँ कुछ मिल जाए बढ़िया सा खाने के लिए, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद सीधा क्रूज में।
हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं विला की तरफ और पैलेस स्वीट की आप वीडियो देख ही चुके हो पहले, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने। तो अभी हम जा रहे हैं पूल विला, प्राइवेट विला जिसमें प्राइवेट पूल तक है और 6 लोग तक आ सकते हैं उसमें। अगर एक पूरी कंप्लीट फैमिली आ रही है यहाँ पर, यहाँ हम फ्रेंड्स आ रहे हैं, बैचलर्स पार्टी करने आ रहे हैं, इससे दाबर तोड़ मजा नहीं आने लगा, बिल्कुल नहीं आने लगा। बिल्कुल सही का भाजी, पार्टी कर ली, अंदर पार्टी कर ली, बाहर हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, तो अंदर आ सकते हैं। ये आ गया पूरा प्राइवेट बार जहाँ पे आप पूरी फैमिली या अपने फ्रेंड्स वगैरह सारे पार्टी कर सकते हैं। और आप लोगों में से एक बार जनरल बना हुआ यहाँ पे, जैसे हम घर पे बने होते हैं, एक घर दूसरे घर से दूर है यहाँ पे। बस पियानो से पंगा नहीं लेना, ये मत सोचना कि पियानो बजाना आता आप लोगों को, छेड़छाड़ करोगे फाइन पड़ेगा। ब्लैक टी का जो मजा है यहाँ पे जबरदस्त, ताश खेलनी है यहाँ बैठ के ताश खेलो मस्त एकदम। सोचना कि यहाँ से आप दुश्मन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यार है अपने। देखो जी, ये है यहाँ का बेडरूम, जबरदस्त बेडरूम। कौन निकलना चाहेगा इस तरह के कमरे से बाहर यार, कोई निकलना चाहेगा? हनीमून पे आए हो, अपनी बीवी के साथ आए हो या अपनी फैमिली के साथ आए हो, यहाँ बैठ के जो मजा आएगा, यहाँ कॉफी पीने का, पैक पीने का भी, इन हाउस भी यहाँ पे दारू दी जाती है। अपनी दारू की बोतल पता नहीं लेके आ सकते नहीं लेके आ सकते, ये हम पूछ लेते हैं। बट यहीं से, यहाँ से आपको पूरा एरिया दिखाते हैं पीछे कि किस तरह का व्यू है, वो देखो। ये तो हो गया एक कमरा, दूसरा कमरा कहाँ पे है? कॉरिडोर, और इसी तरह से लग रहा है अपने घर पे है, और अंदर आके ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि हम क्रूज शिप में हैं। जबरदस्त है। लो जी, दूसरा कमरा भी आ गया। अभी यहाँ पे जो आवाजें आ रही है ना कान को, इतनी जबरदस्त, इतनी सूदिंग लग रही, जो हमने आवाजें कभी लाइफ में सुनी नहीं है, कानों को इतना मजा आ रहा है। शहर में तुम सुनते टैटा पैपा टैटा पैपा, दुबई चले जाएंगे हम, सिंगापुर चले जाएंगे हम, बट क्रूज का जो मजा है और स्पेशली इस विला का जो मजा है जबरदस्त है। सबसे एक्सपेंसिव विला है ये, पूरे क्रूज का सबसे एक्सपेंसिव विला। ये देखो व्यू देखो, वाह।
कुछ हमने बाहर अभी दिखाया था, जकूजी दिखाया था, वहां से एंट्री थी एक यहां से भी है। दारू पी के किसी ने वॉशरूम जाना यहां से निकल जाए, अगर उधर से पार्टी में से नहीं जाना तो ये रूम से हम बाहर निकलते जब ये लो दोबारा उसी एरिया में आ गए। फील करके देखो यार, ये फीलिंग फील कर पा रहे हो? मुझे लगता नहीं है कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, बट जो भी यहाँ पे जो ठंडक मिल रही है ना, और देखो दूर दूर तक देखो कोई बंदा नहीं, कोई बंदे की जान नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जब दोस्त भी आएंगे ना पार्टी करने, पूलन करना यार, छह लोगों ने पूलन करना, छह लोगों के पूलन के हिसाब से कुछ नहीं बनता। हम दुबई में कितना स्पेंड कर देते हैं, हम मालदीव्स कितना स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बट यहाँ पर एक तो फोन का नेटवर्क नहीं है, सबसे बड़ी बात सारे पुरानी यादें ताजा होंगी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओए अच्छा, तो ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, आओ देख रहे हो, फीलिंग देख रहे हो यहाँ पे। बाथरूम का भी यहीं से रास्ता, तो मैंने जो पहले कहा था कमरे में से निकलना है, तो कमरे में से नहीं, आप यहीं से भी बाथरूम आ सकते हैं। भाई अब हम टाइम हुआ है 4:45 और अभी लंच किया है, लंच करके अभी हम ऊपर आ गए हैं, और इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा माहौल है यहाँ पे, फिर से यही बोलूँगा जस्टिफिकेशन कैमरा नहीं कर सकता, पर फील देखो एक बारी।